बिहार डीएलएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप लोग कैसे कीजिएगा काउंसलिंग आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका लिंक भी ओपन कर दिया गया है, प्रॉपर तरीके से सही ढंग से वर्क करने लगा है। आज ही ओपन किया गया है लिंक को। बहुत छात्र परेशान थे कि सर कैसे करें हम लोग काउंसलिंग, जो च्वाइस फिलिंग भी बोलते हैं, और इसी वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना है बिहार डीलेड। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2022 ऐसे ही आप लोग लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बिहार हेल्प का वेबसाइट है, इस पर मैं हम खोल लेते हैं। इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार ऑप्शन खुलता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। थोड़ा सा और नीचे ऑनलाइन अप्लाई, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये देख सकते हैं। बिहार डीएलएड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ओएफ चलाती है, बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर आप लोग को साइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड, जो आप लोग च्वाइस फिलिंग सॉरी जो आप लोग डीएलएड का फॉर्म भरे होंगे उसी समय आप लोग का एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, वो डालकर लॉगिन करना है और ईमेल पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल में दिया गया एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको, और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ अपने डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे कि यूजर नेम डाला हूँ और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। लोग बने रहे वीडियो में, मैं पासवर्ड को फिल कर ले रहा हूँ। जैसे आप लोग कीजिएगा, और लॉगिन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सभी डिटेल दिखेगा, आपका फ़ोटो भी दिखेगा, और नाम उम दिखेगा, आपका कितना रैंक आया है, कितना नंबर आया है, यहाँ पर आप लोग को दिखने को मिल रहा होगा, सभी डिटेल मिला रहा होगा आपको। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सबसे ज़रूरी मिल रहा होगा, जो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ वो कौन सा ऑप्शन है। मेक पेमेंट 350 HDFC बैंक है, ये पेमेंट करने को बोल रहा है दोस्तों, और आप लोग को पेमेंट करना होगा तभी आपका काउंसलिंग सफलतापूर्वक होगा, इसके बाद ही आगे प्रोसेस बढ़ पाएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेक पेमेंट पर, क्योंकि मेरे को काउंसलिंग करना है, तो ये अभी क्लिक नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, पीला रंग में हो जाए हर से, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वेबसाइट प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं कर रहा है। शाम तक या फिर कल तक रात तक भी हो सकता है वेबसाइट को अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से रिपेयर करके अच्छे किया जाए, तो आप लोग काउंसलिंग कर दीजिएगा। और मैं इसका वीडियो आप लोग चाहते हैं कि फुल काउंसलिंग का, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर अपडेट हो पाए कि आप लोगों को मालूम चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।